आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में नहीं मिली आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील, एडीएम फाइनेंस ने कहा शासनादेश के अनुसार कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम आने पर कर्फ्यू में मिलेगी राहत। कंट्रोल में कोरोना, दो माह में रोज के संक्रमण में 95% की कमी, 24 अप्रैल को 38,055 की रिकॉर्ड संख्या घटकर 1,908 पर आई, दो माह में पहली बार 2,000 से नीचे आई यह संख्या, सक्रिय मामलों में 86% की कमी, 3,10,786 से 41,214 पर आई सक्रिय केसेस की संख्या। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 32वीं पुण्यतिथि पर उनके समर्थकों ने गोलघर स्थित उनकी प्रतिमा और उनके पैतृक निवास स्थान हरनही महुराव पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। 2018 और 19 में एक ही जगह पर जमे पीआरबी जवानों का एसएसपी ने किया स्थानांतरण। एसपी ट्रैफिक ने कहा अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करे पीआरबी जवान, नहीं तो होगी कार्रवाई। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत हरिजन बस्ती में किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, बताई सरकार की उपलब्धियां। महानगर में चल रहे सफाई अभियान का एडीएम सिटी ने किया स्थलीय निरीक्षण, कहा 2 जून को जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि, कहा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों को किया जाएगा साकार। पास्को एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी युवक को चिल्वाताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में रविवार को मिले 62 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,898। अब तक 688 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 1,586 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पोस्टिंग। बांसगांव पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को पुलिस लाइन परिसर में चला विशेष सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान, आरआई ने कहा सफाई से पुलिस लाइन होगा कोरोना मुक्त। अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को चिल्वाताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में आयोजित कम्युनिटी किचन का यज्ञ हवन आरती के साथ हुआ समापन, कोरोना के खात्मे के लिए की गई प्रार्थना। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बाले मियां का लगने वाला मेला लॉकडाउन की वजह से हुआ स्थगित, ज्येष्ठ माह में 1 माह तक लगता था मेला, आस्थावान पलंग पीढ़ी कनूरी आदि चढ़ाकर अपनी आस्था और अकीदत का करते थे इजहार। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाया गया आंशिक कर्फ्यू का रविवार को भी रहा आंशिक असर, एसपी सिटी ने कहा जनता के सहयोग से काबू में आया कोरोना।